कुछ नहीं किया। फ्रेंड फ्रेंड अभी जीत गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी खाना खा रही हूँ, क्यों खा और क्लास जाती हूँ, भूख लगने लगता है, गैस खत्म हो गया मेरा, तो इसलिए छोटा वाला गैस था जो मैं दिल्ली से लेके आई हूँ। जब भी गैस खत्म होता है तब उसके बाद गैस लाता है घर पे। नाश्ता में खाना खा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे इडली खाना होता है, डोसा खाना होता है, डेली का पैसा वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो खाने में आज बना है ये मुनगा का साग, दाल चावल और पुटकल का अचार। तो मैं क्लास पहुँच गई हूँ, यहाँ लेट हो गई हूँ 1 घंटा, लिफ्ट का वेट कर लूँ। आज फर्स्ट टाइम जो है ना, मतलब बहुत दिन बाद ये लिफ्ट जो है चालू है। ताकत इसमें जाना है सच। शुरू कर रहा हूँ, आपका एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, सेंटेंस का ये अनुवाद बॉडी लैंग्वेज में करें, मुंह से इसको कुछ नहीं बोलते। ये बोल, ये बोल। तुम क्यों पीछे देखो? अच्छा, ये पीछे नहीं देखना। नहीं, तुम लोग आगे देखो, वो उसे अब आप टच करके उसको भी बात, आप बताओ क्या बता। एक बार होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये चीज वहां से कन्वर्ट 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 होते 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 यहाँ अगेन हम तो क्लेम करेंगे अपना रोटी और ताली वाला, उसमें कभी और सांभर के लिए दोनों का स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट थे
सारे स्टूडेंट को जाना है सोशल वर्क के लिए, जो कि कैंसर पेशेंट लोग हैं यहाँ बगल में कहीं पे, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वहाँ पे जाना है, उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कराना है, गेम्स वगैरह खिलाना है, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाना है, तो ये सभी चीज़ें भी ज़रूरी हैं करना। तो मतलब दूसरों के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा अच्छा कि हाँ रुकती हूँ, ये करती हूँ, तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या वहाँ प्रोग्राम होगा। और हम लोग सारे बच्चे जा रहे हैं, ये लोग कौन कौन जा रही है, तुम लोग तुम जा रही है नहीं जा रही है, कौन कौन जा रही है? ये हम लोग वहाँ के बच्चों के लिए जो है ना कुछ कुछ टॉफ़ी और बिस्किट्स वगैरह कुछ कुछ ले लेंगे, बोल के हम लोग यहाँ आए हैं सर के साथ। ये सर पार्ले जी लीजिए, सबसे अच्छा बेस्ट सर, तो पार्ले जी सबसे बेस्ट है सर, हम सच्ची बता रहे हैं। पहले हम लोग के टाइम में 3 रुपये मिला था, चॉकलेट तो दिख ही नहीं रहा सर। हाँ पार्ले जी पूजा मेरे बाप, ये बड़ा वाला ऐसे पकड़ के घूम रहे, उसमें डालिए ना, डालिए छोटा वाला, ऐसे वाला बोलो सर एक लेने के लिए। तो सब लोग चढ़ गई हैं यहाँ पे, मैं और दीदी भी निकलूंगी अभी, चलो। और ये हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, देख लिए पढ़ लिए, तो आप लोग भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग फोन करके जानकारी ले सकते हो। खोल के चलते हैं ना, जूता खोल के आना, माथा में चढ़ा के नहीं आना। चलो जी सारा ऑथेंटिक होना चाहिए, उनके रिपोर्ट या फिर आयुष्मान कार्ड जो भी वेरिफाइड वगैरह हम करते हैं वो सारा चीज बताया है, बट रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी एटलीस्ट हाँ सही टी वी वगैरह भी सारा चीज बहुत लगा है। रेडिएशन चल रहा है या फिर केबल थेरेपी चल रहा है, तो फिर कॉस्टिंग बहुत बढ़ेगा लगता है, होटल वगैरह में रहेंगे राइट की बात पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसके कारण इससे पहले रिसर्च हुआ इस प्रोजेक्ट कि हम लोगों के लिए अगर कैंसर पे काम करना है तो किस लहजे से काम करना है, क्योंकि ये भी कम्प्लीटली ये सेटअप और बाकी हमारा जो सेंटर रेस्ट ऑफ इंडिया में वहाँ पे देखिएगा तो इंडिविजुअली हम लोग रूम देते हैं, बट मेरा प्रायमेस छोटा होने के कारण हम लोग थोड़ा शॉर्ट वाला कर रहे हैं कि मतलब एक ही रूम में हम लोग दो फैमिली को अरेंज कर दिए, वरना और सेंटर दिल्ली वगैरह का सेंटर हमारा और मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। तो अभी आपको थोड़ा बड़ा स्पेस हाँ ये कम्प्लीटली यहाँ पे ये सारे मतलब मार्च में मुझे इंस्टेंटली स्टार्ट करना था, इसके कारण मतलब ये मुझे लेना पड़ा कि बस स्टार्ट करना है किसी तरह, फिर लोग जानते चले जाएंगे तो मुझे प्रॉमिसेस भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अभी तक मुझे लगता है कि मेरे सेंटर से बेनिफिशियरी कम से कम होंगे तो टोटल फूड बेनिफिशियरी, रूम आपका बेड बेनिफिशियरी, ट्रैवलिंग बेनिफिशियरी, मतलब टोटल क्वांटिटी, आपका लंच हम लोग देते हैं सुबह में, ब्रेकफास्ट रात में हम लोग डिनर भी देते हैं, इससे क्या होता है कि जाकर के बीच में जो लंच का जो टाइमिंग रहता है वो पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं, शाम में हम लोग 200 ml का लगभग दूध भी देते हैं, इससे क्या होता है कि पेशेंट से, क्योंकि दूध इन लोग के लिए बहुत जरूरी है और मोस्टली कि हाइजीन भी मेंटेन करना है,
कि साफ सफाई, एक तो हम पेशेंट को भी कोऑर्डिनेट करते कि आप जिस रूम में रह रहे हैं वहां पे आपको सफाई रखना, बाकी हमारा हाउसकीपिंग तो है ही है, yes, obviously. बाकी आप जहां पे रहते उसको भी साफ रखिए जहां. बहुत अच्छा शब्द. चलिए एक कैंसर पेशेंट से रिलेटेड कुछ हम लोग एक्टिविटी करते, एक मोटिवेशन के तौर पे है ना, एक अपना आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना एक डिस्क्रिप्शन दे करके एक मतलब मोटिवेशन ही कर लेते हैं ना, क्या फायदा किसके सिंगिंग किस लिए फायदा है, या फिर डांसिंग एक योगा वगैरह से रिलेटेड कि इन लोग डेली हैबिट में बोला है पेशेंट हमारे कुछ गेम भी कुछ गेम है. हाँ जरूर. देखिए बेसिकली आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि ये संस्था HP की है, अपना कर रहा है, तो इसमें क्या है ना कि हम लोग जानते हैं कि एक्टिविटी भी कराते हैं. कुछ लोग पुराने होंगे उनको पता होगा कि हम लोग संडे या सैटरडे कभी भी एक्टिविटी कराते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है. उसी तरीके से सर लोग आए हुए हैं, पूरे ग्रुप है, टीम है, जो सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कि आप लोग को जो पेशेंट है वो किस तरीके से इस बीमारी से लड़ सकते हैं, या फिर अपने जैसे होता है क्या है कि बेसिकली हम लोग भी जान रहे हैं कि अगर पेशेंट को होता है तो पूरा घर इससे क्या होता है मेंटली खत्म हो जाता है कि भाई अब तो कुछ लाइफ में है ही नहीं है. और नमस्कार, मेरा कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है. क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रेस. हम लोग सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं. एक आधा गिलास का पानी हमारे हाथ में मैटर नहीं करता कि आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, मैटर ये करता है कि ये कितना भारी है. अगर इस पानी के गिलास को 1 से 2 मिनट तक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 घंटा तक रखेंगे तो हाथ में दर्द होना लगेगा, और 8 से 10 घंटे तक रखेंगे तो हो सकता है हाथ सुन्न हो जाए और गिलास गिरे और पानी के साथ साथ गिलास चकना शुरू हो जाए. सेम इसी तरह हमारा स्ट्रेस, हमारी परेशानी, हमारा टेंशन 1 से 2 मिनट के अंदर में अगर आप इस गिलास को छोड़ दीजिए, मतलब टेंशन लेना छोड़ दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 4 से 5 घंटे अगर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं तो सर भारी लगेगा और दर्द स्टार्ट होने लगेगा, और उसी तरह 7 से 8 और 10 घंटे तक अगर उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे तो सर फट जाएगा और आप पागल भी हो सकते हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊपर वाले ने जो भी दिया उसको एक्सेप्ट, चाहे आपकी छोटी सी बीमारी हो या बड़ी सी बीमारी हो. दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, किसी ना किसी को किसी ना तरह से कोई प्रॉब्लम है. वो दिखता नहीं है क्योंकि हम लोग उसके करीब नहीं जाते हैं. तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रेस लेना, रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए. अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे ना आधा से ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी. दूसरी बड़ी बात कि उसने किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दी है और उसी का हाथ है कि उसको सेट करेगा और उसको सही करेगा. हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. डॉक्टर्स ट्राई करते हैं फिर भी कुछ पेशेंट्स. तो गेम कौन कौन खेलना चाहिए? गेम भी मजा आता है, ऐसा नहीं थकने वाला गेम नहीं है. अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं? देखिए गाना गाना वही नहीं कि फिल्मी दुनिया का गाना है. आप भजन कीर्तन करके भी अपने माइंड को स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. अपने बस मैं आगे कुछ बोल तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल इंसान हूँ. मैंने भी अपनी माँ को खोया है, वो भी कैंसर पेशेंट थी. गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे. तेरे आंसू है तेरी हंसी, आज हम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. आगे 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 फ्रंट फ्रंट फ्रंट. तो जो वो गेम से आउट है, आप लोग भी फ्रंट आ सकते हैं. अभी हम लोग फिर से रोटी 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 इडली. हाँ आइए. बहुत अच्छा है.
कान तक आके फिर ऐसे हो रहा है। ये बहुत अच्छा आओ तो वहाँ बैठिए, चलिए वहाँ बैठिए वहाँ पे। हमको तो लग रहा है कि आज दादी, हाँ हाँ हमको भी लग रहा है, पूरा एकदम दिमाग लगा हुआ है, क्या बोल रहा है। अच्छा है, कंसंट्रेट कर रहे हैं। अच्छी ठीक है, स्टार्ट करें फिर से। चटनी दादी जीत गए। तो हमारे पूरे व्यायाम टीम की तरफ से आज बच्चा लोग, हम तो देते नहीं, आप बच्चा लोग से दिलवाते हैं हमेशा सब चीजें। सर अगर हिंदी बोलते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना है, एक बार इंग्लिश बोलते हैं तो आपको हिंदी बोलना है, बस वही। ओके, दो चार नहीं, अलग ट्रैक हो गया, अलग ट्रैक हो गया ये। नौ सपोर्ट कर रही है आपको इधर। तीन फोर मुंबई में बहुत सारा गिफ्ट है। मुंबई में बाप रे बाप, बोले इतना टैलेंटेड है, जोर से। ओके, एक सात दादी, आपको हेल्प नहीं करना है, आपको हरा दे लोग, आप मत हेल्प कीजिए, आपको प्राइज लेना है अभी। पाँच सिक्स इतना बढ़िया पे हम अभी किसी को भी इधर उधर करके पूछेंगे, एक्टिव रहिएगा दोनों, ठीक है। आठ नाइन तीन अठारह सुपर दूसरा बिस्किट मत दीजिए, दूसरा चीज दीजिए। तो एक चिप्स का पैकेट फिर से दादी के लिए, ना आयोग सामने है। मैं माफी मांगूंगी क्योंकि मुझे बहुत बेटी कार्यक्रम था, इसके चलते नहीं है। मन लगा आप लोगों को अच्छा लगा, खुश है ना, और चाहते हैं कि फिर से आए दी ये लोग, एकदम चाहिए दो बार विनर गेम में, दो बार विनर। वाह आंटी, दिल खुश हो गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता सर है, उनका आज बर्थडे है, तो वो केक नहीं काटते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि उनका एक सेलिब्रेशन हो, क्योंकि वो पेशेंट लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और आज मेरे स्टूडेंट का भी बर्थडे है, स्वेच्छा। पहले उसी का केक काटने करेंगे, उसके फिर स्वेच्छा का बर्थडे मनाएंगे, तो आप लोग क्या बोले? हाँ दादी, यही आशीर्वाद देते रहिएगा। हमारे दीदी के सब इसको दीदी बोलते हैं, इसीलिए अभी तक शादी नहीं हो रहा, सबको दीदी बनवाना छोड़ो। नहीं आप तो मतलब माँ हमको आशीर्वाद देंगी तो जरूर मेरा जल्दी शादी हो जाएगा, माँ का आशीर्वाद सदा साथ रहता है। चलो जी, आग लगा दी लोग, इसके हाथ से लगवाना, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, आप सबको बताना चाहूंगी आज हमारे प्रिय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना सर का आज बर्थडे है, तो एक छोटा सा हम सभी की तरफ से, और मैं चाहूंगी कि आप लोग कटिंग करें और उनके लिए ब्लेसिंग मांगे, ताकि वो हमेशा जीत के आए, स्वस्थ रहे और इसी तरह हमारे समाज में काम करते रहे। उन्होंने झारखंड को तो बहुत कुछ दिया है, और भी उनकी तरक्की को लेके, और मैं तो चाहूंगी कि सारे जगह वो इसी तरह कार्य करते रहे। थैंक यू सो मच सर,
हैप्पी बर्थडे सर। चलिए दादी माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बन्ना सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बन्ना सर। बन्ना सर हैप्पी बर्थडे, माँ को पहले हम लोग खिला रहे हैं थोड़ा सा, बस 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 माफ कीजिए। ओके तो बच्चा लोग केकिंग केक कटिंग करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, कटिंग दे सकते हैं ना केक। हां बोलना चाहेंगे, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं सर से? बोलिए बोलिए सर से, कुछ भी बात करना है, एकदम बहुत अच्छे से बात करते हैं सब लोग। बोलिए जो बोलना है। हां बोलिए। ऐ सर से हम बोलते हैं जो हम लोग का जैसे तकलीफ लेके आए हैं, थोड़ा तकलीफ हम लोग का कष्ट जैसे दूर करें, हेल्प करें, मदद करें। और हम लोग जैसे रोते हुए घर से आए हैं, हंसते हुए जाएं, उनका भगवान मनोकामना पूरा करे बन्ना सर को। वे इस जगह जगह पर खुशी बांटते रहे, उनका भगवान पूरा परिवार का सुखी संपन्न रखे। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे सुखी रहेंगे, हम लोग का सुखी रखेंगे। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं जो हम लोग हंसी खुशी। वो आपके ही बेटे हैं, मेरा ही बेटे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान खुशी उनको ही रखे। भैया टेस्ट करा रहे थे छोटा छोटा, तो लिए छोटा 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 बाइट, छोटा छोटा बाइट का समझ रहे हो? हां ये प्रसादी की तरह बना, प्रसादी समझ करके अपना। तो यहाँ का जितना भी प्रोग्राम था, केक कटिंग वगैरह हो गया, और अभी बस स्टैंड जा रही हूँ क्योंकि समय हो रहा है बस का, दीदी जा रही छोड़ने के लिए रोड तक। तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अभी खाना वाना खा के अभी रात का करीबन 11 बज रहा है, ठीक है। तो आज बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलके, और ये जो अपना घर है ये एक संस्था है जो कि कैंसर पेशेंट पर काम कर रहा है। और अगर आप लोग भी जानते हो ऐसे कैंसर पेशेंट को जो कि नीड है, जिनको ज़रूरत है, तो आप लोग मैं दिखाई हूँ, देखिएगा। जब मैं एंटर करती हूँ गेट के पास, सारा मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है। आप लोग अगर जानते हो किसी ऐसे कैंसर पेशेंट को जिनको हेल्प चाहिए, तो वो नंबर से आप लोग बात करके, कॉन्टेक्ट करके उनके लिए इंफॉर्मेशन या उनको कुछ हेल्प कर सकते हो आप लोग। तो बस यही था, जितना हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यार बनाए रखना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।